ये आंदोलन की फिर शुरुआत हो रही है। जो इन लोगों ने वादा किया था जनता के बीच में, उन वादों पर ये खड़े नहीं उतर रहे। प्राइवेट अस्पतालों में जो लूट है, सरकारी अस्पतालों में जो गरीब को, कमजोर को सहूलतें नहीं मिल पा रही, उस लड़ाई को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस लड़ाई के लिए आज हमने तमाम मौजूद लोगों को बुलाया और हर दिन आज जैसे विधानसभा कुछ गाँव बुलाए, पहले बुलाए थे, आसपास के जिलों के लोग बुलाएंगे, पार्टी में सहमति बनेगी। 10 अक्टूबर का दिन हमने रखा है शिक्षा, जो मूल बहुत जरूरतें हैं उन पर लड़ाई लड़ने की हमारी इच्छा है। गांव के तमाम मोदी लोग इसमें हमारे साथ हैं और हम सब लोग इकट्ठा मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या इस बार भी अनशन पे बैठेंगे? देखिए, अनशन का तय करेंगे, पहले सब लोगों से बात करेंगे। अगर अनशन करना पड़ेगा करेंगे, अगर ऐसी आंदोलन करना पड़ेगा वो भी करेंगे, अनशन करना पड़ेगा वो भी करेंगे। हॉस्पिटलों के लेकर तो आपने कई मांगे रखी थी, क्या आपने वो मानी नहीं गई? अभी तक नहीं मांगी गई है और हम सरकारी अस्पतालों पर भी इस बार लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल और, आपने एजुकेशन के लिए भी करा है इस बार, और क्या स्कूलों में क्या कमी दिख रही है? स्कूलों में आप बताइए, गरीब लोगों के दाखिले नहीं है, क्या आ गया वो इनका वादा? आप देखिए, टाई बेल्ट जूते जुर्रात बैग किताबें सब पर तमाम तरीके के जो है क्या नाम गोरख धंधा चल रहा है, स्कूल से देते हैं फीस, ट्यूशन फीस के नाम पर, बिल्डिंग फीस के नाम पर, जिस महीने की छुट्टी रहती है उसके नाम पर सबसे फीस वसूल रहे हैं। तो हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे मजबूत। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।